बेशक है ही कुछ ऐसा। एज फार एज आई रिमेम्बर बापू यूज टू राइट आर्टिकल्स इन द न्यूज पेपर टू सेंड पब्लिक मैसेजेस टू द गवर्नमेंट एंड बिकॉज ऑफ द आर्टिकल्स नेचर ही वॉज ऑल्सो इम्प्रेजेंट फॉर द 6 years और जिसकी वजह से उन्हें अदालत भी जाना पड़ा था। उस वक्त वो एक आम आदमी थे जिसकी वजह से उन्हें अदालत जाना था और शाहीबाग के सर्किट हाउस में उन पर केस भी चल रहा था। और
પચવાયેલું નાટક મહાદેવની ડાયરી, અને હવે પછી ભજવા જઈ રહી છે ધ મિલેનિયમ સ્કૂલ, જેના નાટકનું નામ છે ગેમ ઓફ ડેથ. જીડી ગોયંકા ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ આયોજિત, ભરતભાઈ ભાવસાર બીડીએન કંપની પ્રાયોજિત આંતર શાળા એકાંતિ નાટ્ય સ્પર્ધાના આજે અંતિમ દિને આજનું બીજું નાટક ભજવવા જઈ રહી છે મિલેનિયમ સ્કૂલ ગેમ ઓફ ડેથ. મિત્રો, જે બે દિવસોમાં નાટકો ભજવાયા એ નાટકો આપ વેબ મીડિયા પર જોઈ શકો છો, જેના માટે આપ એક્ઝોટિક વેબ મીડિયા ડિજિટલ ચેનલ પર લોગિન થવું પડશે. ફેસબુક પેજ એનું છે એક્ઝોટિક વેબ મીડિયા, જેને લાઈક કરશો, અને યુટ્યુબ ચેનલ પર પણ સબસ્ક્રાઈબ કરશો તો આપ બંને દિવસના બધા જ નાટકો જોઈ શકશો. મિલેનિયમ સ્કૂલ સુરત આપ સભી કા હાર્દિક સ્વાગત કરતા હૈ ઓર પેશ કર રહા હૈ ધ ગેમ ઓફ ડેથ. એક્ટર્સ જોકર કે રોલ મેં ઓર ઇસ પ્લે કે રાઇટર શિવ પોલ, ગુપ્તા કે રોલ મેં દક્ષ પાનસુરિયા, ધ કાઇન કે રોલ મેં સંસ્કાર વઘાસિયા, ટોની કે રોલ મેં સિદ્ધ પટેલ, પોલ કે રોલ મેં સ્મિત ગોકલાની, વિલિયમ કે રોલ મેં મન સવાની. તો પેશ ધ ગેમ ઓફ ડેથ.
देखो वहां पर कुछ है। ये तो जोकर कार्ड है, शायद इसको अगले शिकार का क्लू हो सकता है। हाँ, इसके पीछे कुछ लिखा है, आयर हार्ट। आयर हार्ट का मतलब क्या हो सकता है? अच्छा, ये आयर मैन को मारना चाहता होगा। ये मजाक तो नहीं है मिस्टर काइन, हमें इस एरिया की सारी वाइन शॉप पर नजर रखनी होगी। पर आज तो फर्स्ट मार्च है, फर्स्ट अप्रैल नहीं है। इस बच्चे को अभी भी देखनी पड़ी है, वो जोकर ने आज सुबह से मतलब आज ही कोई जाने वाला है, पर उसे ये कैसे पता चला कि हम सब यहाँ है? वो उसे पकड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। आयन, आयन हार्ट पहले एक अस्पताल हुआ करता था जो ओपन हार्ट सर्जरी करता था, पर अब वहां पे एक आयन फैक्ट्री है। दैट्स द क्लू, आयन फैक्ट्री। हाँ तो चलो वहां चलते हैं। मिस्टर टोनी, फाइल में लिखा है पर आपने बताया नहीं कि हर बदल रात के 3-4 बजे के बीच में हुए हैं। तो मैं कहाँ था? किससे बात कर रहे थे?
मेरे पापा से। ओ, ओके। तो तुम किसी जगह के बारे में बात कर रहे थे? हाँ, अगर जोकर को तुम्हें पकड़ना है तो वो तुम्हारे पीछे आएगा। इसका मतलब है कि हम उसे कहीं भी ले जा सकते। सही कहा, पर हमें उसे एक ऐसी जगह पे ले जाना होगा जहाँ पे वो आसानी से पकड़ा जा सके। पर वो जगह होगी कौन सी? वही तो हमें खोजनी है। क्यों ना हम उसे यही बुला ले? अच्छा, मगर उसे पकड़ेंगे कैसे? जिस तरह से वो सबको पकड़ता है उसी तरह से हम भी उसे पकड़े। वो कैसे? जैसे उसने विलियम को पकड़ा था तब उसके मुंह पे काला कपड़ा बांधा हुआ था, तो जब वो मुझे मारने आएगा तब हम भी उसके मुंह पे काला कपड़ा बांध के पकड़े। तो फिर हमें एक जगह पर जाना पड़ेगा जो यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर। तो चलो चलते हैं। पर सिर्फ हम दोनों? कौन दोनों? वैसे हमें जाना कहाँ है? जिंदगी और मौत के बीच। Ah,